भले ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे कि बिहार में दहेज बंदी, लेकिन बिहार में दहेज बंदी की मजाक शराबबंदी से भी ज्यादा उड़ती हुई दिख रही है। शराबबंदी पर तो नीतीश कुमार काम करते नजर आते हैं, लेकिन दहेज बंदी पर कभी उन्होंने काम नहीं किया। दहेज बंदी के बावजूद बिहार में दहेज लोभियों के बलि चढ़ रही हैं बिहार की बेटियां। और इतना ही नहीं, एक मामला हम आपको बता रहे हैं नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की है। नालंदा में एक बार फिर से एक बेटी को दहेज की बलि वेदी पर चढ़ना पड़ा है। दहेज लोभी ससुराल वालों ने खाने में जहर देकर उस ससुराल के लिए मौत की नींद सुला दी। घटना हरनौत थाना क्षेत्र के बिचली बाजार मोहल्ले में घटी है। मृतका लवनेश कुमार की पत्नी चांदनी कुमारी है। मृतका के भाई कीर्तिमान भारती ने बताया कि 2019 में उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ माह बाद से ही मेरी बहन को दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया जाता है। बार बार रुपया मांगने पर वो हम लोगों से चोरी छिपे परिवार के अन्य सदस्यों से रुपये लेकर दिया करती थी, जिस कारण उसकी लालच बढ़ती गई। दो दिन पूर्व भी उसने फोन कर बताया था कि पति ने बेरहमी से पिटाई की है। उसको शक था कि ससुराल वाले इसकी हत्या कर देंगे। शुक्रवार की शाम उसके खाने में चोरी छिपे जहर दे दिया गया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद लड़की के घर वालों के आने के पूर्व ही पूरा परिवार शव छोड़कर मौके से फरार। घटना की जानकारी मिलते ही लहेरी थाना पुलिस क्लिनिक पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपती है। थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि मृतका के भाई नरगौसा थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी कीर्तिमान भारती का बयान लेकर संबंधित थाने को भेज दिया गया है। पति समेत चार लोगों को आरोपित बनाया गया। 2019 में मेरी बहन का शादी हुआ था लवनीश कुमार के साथ कमल बीघा में, लेकिन जब से शादी हुआ तब से ही उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। कभी पैसे के लिए, कभी हर तरह के डेली उन लोग का नौटंकी बना दिया था। कभी कुछ डिमांड, कभी कुछ डिमांड, कभी पैसा दो, कभी मोटरसाइकिल दो, कभी मेरा जॉब लगवाना है उसके लिए पैसा दो। कभी उसका सास मारती थी, कभी उसकी जो लड़के का बहन थी वो भी उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। उसकी बहन उसी के घर में रहती है, लड़के के आए शादी होने के बाद भी कभी गई नहीं वो। उसको बहुत ज़्यादा पूरे फैमिली मिल के उसको इतना मारता था कि एक बार मेरी बहन भाग के वहाँ से मार की वजह से वो वापस आ गई थी। फिर हम लोग पूरा परिवार जाके समझाए उसको तो रखने के लिए तैयार हुआ। फिर बोला कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार वही हर छः महीने, हर दो महीना, छः महीना, साल भर में यही नौटंकी। इस दो साल में कम से कम उसको 5 लाख रुपया शादी के बाद भी दे चुके हैं ताकि कम से कम मेरी बहन सुखी से रह सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज अंततः उसको जहर दे के मार दिया गया। कितना शक है आपको? मुझे उसके शक, अगर आप शक की बात करते हैं तो उसकी माँ, उसकी बहन और जो लड़का हुआ लवनीश कुमार, उस पर इन सभी पे शक नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि इन लोग, क्योंकि मेरी बहन पढ़ी लिखी थी, वो कोई अनपढ़ गवार नहीं थी कि वो खुद जहर खा लेती। उसको जहर दे के मारा गया है, वो मरी नहीं है, वो एक हत्या है। और मुझे प्रशासन से और सरकार से बस इतना ही कहना है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रकांत भारती है।